राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी केस में आज सुबह एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आज सुबह पुलिस को इस मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गोगामेडी के दोनों आरोपियों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों शूटर सहित पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान गोगामेडी के शूटर चंडीगढ़ से पकड़े गए हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की जान लेने में शामिल दोनों आरोपियों को राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ सेक्टर 22A से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के नाम रोहित राठौर और नितिन फौजी बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरे का नाम उधम है। उधम वो शख्स है जो फरारी के दौरान इनके साथ था। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों के पास से मोबाइल फोन भी मिले हैं। अब इन तीनों को लेकर पुलिस दिल्ली पहुंची और यहां से पुलिस की टीम सभी को जयपुर लेकर जाएगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में उनके आवास पर गोली मारकर जान ले ली थी। पूरी वारदात में कुल 17 बार फायरिंग हुई थी और पूरी घटना CCTV में कैद है। आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद राजस्थान से हरियाणा के हिसार पहुंचे और हिसार से मनाली और मनाली से चंडीगढ़ निकल लिए थे। यहीं से पुलिस ने इनको पकड़ लिया। तो वहीं शूटर्स ने गोगामेडी को गोली मारने के बाद हथियारों को भी छुपा दिया था, ताकि भागते समय ट्रेन या बस में चेकिंग के समय वो पकड़े ना जाएं। आरोपी पुलिस को उस जगह पर ले जाकर हथियार भी मुहैया करवा सकते हैं। आरोपी शूटर्स फरारी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस आरोपियों तक टेक्निकली सर्विलांस के जरिए पहुंची। जब पुलिस आरोपियों के पास पहुंची तो तीनों साथ थे और यहीं से पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। शूटर्स गैंगस्टर रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र साहन और दानाराम के संपर्क में थे। वीरेंद्र चाहन और दानाराम के इशारे पर ही इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस इन दोनों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है। जान लेने के बाद दोनों शूटर्स वीरेंद्र चाहन और दानाराम से लगातार फोन पर बात भी कर रहे थे। जांच में पता चला कि पुलिस से छिपने के लिए आरोपी मनाली पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक सुखदेव सिंह की जान लेने के बाद आरोपी सबसे पहले ट्रेन से हिसार गए, हिसार पहुंचकर बस से मनाली पहुंचे और उधम के साथ मनाली से मंडी और फिर चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ में ये होटल में रुके हुए थे और यहीं से पुलिस ने इनको धर दबोचा। जाहिर है कि मंगलवार को जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर जान ले ली थी, जिसके बाद से पूरे राजस्थान में सड़कों पर हंगामा मच गया था, बवाल कट गया था। आरोपियों के पकड़े जाने की मांग की जा रही थी और अब आरोपी पकड़ में आ चुके हैं। इस मामले की हर अपडेट जानने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।